चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी लेटेस्ट अपलोड्स देख सकें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं बात करूंगी विटामिन ई के कैप्सूल्स के सही तरीका इस्तेमाल के बारे में कि इन टिप्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। तो क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली या वीकली बेसिस पे आप मेरी लेटेस्ट अपलोड्स देख सकें। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ मैं पीछे आपको दिखा भी देती हूँ। ये ईवियन के नाम से अवेलेबल होते हैं मेडिकल स्टोर्स पे। 600 mg का ये कैप्सूल है मेरे पास और ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। ये आई थिंक 30 से 40 रुपए का जो है वो आपको ये मिल जाएगा, यानी कि 10 कैप्सूल्स होंगे इसमें। और ये दो मैंने जो है वो आपको दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए रखे हैं बाहर कि ये आसानी से प्रेस हो जाते हैं। और इनका आप ऑयल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको यहाँ से कट करना पड़ता है, ये इस हिस्से से, क्योंकि आगे से थोड़ा सा हिस्सा कट करके आपको इसे स्क्वीज़ करना पड़ता है और इसका ऑयल निकालना पड़ता है। और इस ऑयल को जो है वो आप फर्दर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिला के। आप चाहे जिस भी चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं वो आपको फ़ायदा ही देगा, ठीक है। ईवियन के कैप्सूल्स अगर वैसे अकेले हम लोग इस्तेमाल करें, लाइक इसका सिर्फ ऑयल निकाल के हम किसी चीज़ में मिलाए बिना अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो तब भी ये रिज़ल्ट देता है, लेकिन इतना क्लियर रिज़ल्ट नहीं देता जितना क्लियर रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है। तो मैं आपको वो ऑयल्स भी दिखा देती हूँ जो आप विटामिन ई कैप्सूल्स के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास है कोकोनट ऑयल, ये मैं थोड़ी क्वांटिटी में ही मंगवाया था मैंने। और ये मेरे पास है एलमंड ऑयल, ठीक है। ये शायद आप लोगों को आइडिया हो गया, एक वेबसाइट है pansari.pk, तो मैंने वहाँ से ये ऑयल्स मंगवाए थे क्योंकि मुझे कुछ ऑयल्स यहाँ पंसार की दुकान से नहीं मिल रहे थे। तो ये यहाँ पर मैंशन भी है पंसारी, तो ये वहाँ से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। अगर आपको भी ऑयल्स चाहिए या कोई भी हर्बल प्रोडक्ट चाहिए तो आप उनकी वेबसाइट विज़िट करके जो है वो आसानी से मंगवा सकते हैं। ये मेरे पास है एलोवेरा जेल जो कि मैंने परचेज़ की थी, अभी काफ़ी अर्सा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं वैसे कि वैसे पड़ी हुई है, सिर्फ थोड़ी क्वान्टिटी में मैंने यूज़ की है। और इसका मैं बहुत जल्द आपको रिव्यू दूँगी, बेस्ट है ये, बेस्ट है या कोई और बेस्ट है। अगर एलोवेरा का कोई प्लांट आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आपको कौन सी एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट से बाय करनी चाहिए। और चौथी चीज़ है हमारे पास शहद, जो कि मेरे पास प्योर अवेलेबल नहीं है तो मैं मरहबा का यूज़ करूँगी। ये ऑल दो के खालिस नहीं होता लेकिन अल्टरनेटिव के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 3 से 4 रेमेडीज़ ऐसी बताऊँगी जिनमें विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल होगा, और इन विटामिन ई के कैप्सूल्स को इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करके आप आसानी से बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकते हैं। ये कहना कि विटामिन ई के कैप्सूल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बात गलत है। इनका वाकई इफेक्ट होता है और अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको किसी भी और ब्यूटी प्रोडक्ट की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलमंड ऑयल से, ठीक है। एलमंड ऑयल के आपने एक चम्मच ले लें, 1 टीस्पून ले लें आप एलमंड ऑयल का, ठीक है, और 2 से 3 आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स ले लेना है। इनको आपस में मिक्स करके जहाँ पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं चेहरे पे या कलर डल है, आप स्किन फेयर करना चाहते हैं तो आप इसका मसाज करें आराम से स्किन पे, और अगर ओवरनाइट लगा रहने दें तो वो बेस्ट है। लेकिन क्योंकि इसमें एलमंड ऑयल होगा तो इसे 15 से 20 मिनट्स का ये मास्क है, तो मसाज करने के बाद आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद किसी भी अच्छे फेस वॉश से धो लें या ठंडे पानी से धो लें। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एलमंड ऑयल के साथ, स्पेशली मिला के जब आप इसे छाइयों के लिए और किल मुहासों के लिए या स्किन कॉम्प्लेक्शन अगर डल है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको अच्छे रिज़ल्ट देता है, ठीक है। ये तो हो गई स्किन की बात, अब बात करते हैं बालों की, यानी कि अच्छी हेयर ग्रोथ की, चमकदार बालों की, शाइनी करना चाहते हैं आप, बाल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स को मिलाना पड़ेगा कोकोनट ऑयल में,
ठीक है, आपको कोकोनट ऑयल में मिलाना पड़ेगा विटामिन ई के कैप्सूल्स, और कोकोनट ऑयल में मिलाने के बाद आप इसे अपने सर की जो स्कैल्प है, जो बालों की जड़ें हैं, उनमें अच्छे तरीके से आपने मसाज करना है। और मसाज करने के बाद किसी भी ऐसे शैम्पू से आप धो लें जिनमें ज़्यादा केमिकल्स ना हों। तो विटामिन ई के कैप्सूल्स भी होंगे, साथ कोकोनट ऑयल का बेनिफिट भी होगा, तो आपके बाल जो हैं वो शाइनी भी बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और लंबे भी होंगे। तो ये अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए, शाइनी हेयर ग्रोथ के लिए जो है ये मैंने आपको टिप बताई है कि आप विटामिन ई के कैप्सूल्स को आप कोकोनट ऑयल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कैस्टर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप एलमंड ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, वो आप लोगों की विल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोवेरा जेल की। मैं ज़रा आपको इसे खोल के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी इस्तेमाल की है, थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसका रिव्यू भी दूंगी। एलोवेरा जेल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं किस कंडीशन में, कि अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में वैसे ही स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, ग्लो ही नहीं रहता, तो आप इसके लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स जो हैं वो एलोवेरा जेल में मिलाकर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथी बात करते हैं हम लोग शहद की। शहद का क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता है, जैसे शहद में पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। अगर आप शहद को विटामिन ई के कैप्सूल्स में मिलाकर इस्तेमाल करती हैं, आप हाथों पाँव पे बेशक इसे इस्तेमाल करें मिला के, या फिर आप फेस पे इस्तेमाल करें, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, मॉइस्चराइज रखेगा। और जो ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं, लड़कियां हों या लड़के स्पेशली जिन्हें ड्राई स्किन का मसला होता है और वो तरह तरह के लोशन अप्लाई करते रहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है विटामिन ई के कैप्सूल्स और शहद। तो दोस्तों, ये चंद टिप्स थीं जो मुझे आइडिया था जिनका, और जिन्हें मैं खुद भी इस्तेमाल करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी ये शेयर कर दूँ। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस जेल का भी रिव्यू दूँगी कि मुझे ये कैसी लगी, इसे मैं थोड़ा सा मज़ीद इस्तेमाल कर लूँ। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो लाइव वीडियोज़ हैं उनका मैं रिज़ल्ट थोड़ा बेहतर कर पाऊँ, ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सब तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। तो अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।